नमस्कार, मैं हूं एसके मौर्य और आप देख रहे हैं हिंद सेवन न्यूज। प्रयागराज से एक बड़ी खबर आ रही है जहां रेलवे केबिन में घुसा बेकाबू कंटेनर, कर्मचारी जख्मी, अस्पताल में भर्ती। जी हां, रोल पेपर लदा कंटेनर लाल गोपालगंज के जेठवारा मार्ग पश्चिमी रेलवे फाटक की बूम और केबिन को शुक्रवार बीती रात 11:45 बजे अनियंत्रित होकर धराशायी कर दिया और 12 टायरा कंटेनर ट्रक पलट गया। ड्यूटी पर तैनात दुर्गागंज लाल गोपालगंज निवासी केबिन मैन मोहम्मद सहीद पुत्र स्वर्गीय जुल्ला पूरी तरीके से मलबे में दब गया। ग्रामीणों ने घायल को मलबे से निकालकर जिला अस्पताल भिजवाया, जहां पर उसकी स्थिति बेहतर बताई जा रही। सूचना पर पहुंची पुलिस व रेलवे के अधिकारियों ने रात भर जद्दोजहद कर रेलवे ट्रैक और मलबे को हटाकर लाइन को बहाल कराने में जुटे रहे। सुबह 5:30 बजे रेलवे का आवागमन बहाल हो सका। इस दौरान 8 घंटे प्रयागराज लखनऊ रेलवे मार्ग ठप रहा। आइए देखते हैं इस घटना पर इनसाइड स्टोरी। आज बीती रात लाल गोपालगंज के निंदूरा फाटक पर भीषण हादसा हुआ है। हम वहीं पर हैं, आपको सीधा नज़ारा दिखाना चाहेंगे। ये बताया जा रहा है कि 11:45 बजे ये हादसा हुआ है और एक ट्रक जिसमें रोल पेपर लदा हुआ था वो इधर से गुजर रहा था, अनियंत्रित होकर के ये केबिन को तोड़ते हुए जा पलटा। आप पूरा देख सकते हैं, ये केबिन मलबे में तब्दील है और केबिन मैन इसी में फंसा हुआ था। ग्रामीणों की मदद से निकाला गया। बताया जा रहा है कि हॉस्पिटल में भर्ती है और हालत फिलहाल स्थिर बताया जा रहा है। जैसे ही सूचना अधिकारियों को हुई, आला अधिकारी मौके पर पहुंच करके इस रेलवे ट्रैक को बहाल कराने की जद्दोजहद मशक्कत करते रहे और सुबह 5:30 बजे के करीब रेलवे ट्रैक बहाल कराया गया। आप देख सकते हैं, ये ट्रक है जिसमें रोल पेपर लदा हुआ था। ये बहुत बड़ा हादसा है। आप यहाँ का जेट पुर्जे जो हैं आप देख सकते हैं, पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। ये बैटरी है, बैटरी भी पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त है। आप पूरा नज़ारा देख सकते हैं साफ साफ। ये रोल पेपर है। ये वीडियो देखने के बाद आप खुद आंकड़ा लगा सकते हैं कि ये हादसा कितना भयानक रहा होगा। आप देख रहे हैं, ये कुर्सी है जो पूरी तरीके से चकनाचूर हो चुकी है। इतना ही नहीं, कोई सामान साफ सुरक्षा नहीं बचा हुआ है। ये देखिए पंखा जो पूरी तरीके से चकनाचूर, और ही जितने भी चीज़ लगे थे पूरी तरीके से मलबे में तब्दील हो गया है। आप पूरा देख सकते हैं नज़ारा। ग्रामीणों का आरोप है कि लाल गोपालगंज के निंदूरा रेलवे फाटक के पास जेठवारा रोड पर लाइट न होने से ये हादसा हुआ है। अगर ये लाइट होती तो हादसा होने के बाद लोगों को आसानी होती मलबे को हटाने में, लोगों को बचाने में। अच्छा, लाल गोपालगंज के तरफ से एक अनियंत्रित ट्रक 12 टायरा जो है आई इधर जो है पूरे बैक घूमती रेलवे गेट को पूरा गेट तोड़ते हुए गिरा दिया। रात में हम लोगों को जानकारी हुई ग्रामवासियों, तो हम लोग जो है यहाँ आए देखे तो पूरा गिरा पड़ा था, मलबे में तब्दील हो गया था। जो केबिन मैन था क्या उसी में दब गया था क्या वो? हाँ, वो दबा था, तो उसको जो है गाँव वालों की मदद से उसको मलबा हटा के जो है उसको बाल बाल बचाया गया। क्या स्थिति है वो? वो ठीक है, और यहाँ से कौड़ियार भेजा गया एम्बुलेंस द्वारा, उसके बाद कौड़ियार से रेलवे अस्पताल गया। ये रेलवे ट्रैक क्या बजे बहाल कराया गया? ये 5:27 बजे सुबह के समय बहाल हुआ है। और मौके पर कौन कौन फोर्स यहाँ रही? मौके पर चौकी इंचार्ज अपने हमराहियों के साथ आए लाल पालगंज, उसके बाद फिर जो है 100 डायल आई, उसके
उसके बाद जो है जीआरपी आई, आरएफ आई, बाकी बड़े आला अधिकारी भी आ गए रात में।